हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, माय नेम इज आयुष कुमार और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा टिश्यू पेपर के बारे में कि ऑयल पेस्टल कलर में इसका यूज कैसे होता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि इसका यूज ब्लेंडिंग के लिए यूज में लिया जाता है ज्यादातर, लेकिन गाइस आज मैं कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, पिछले जो मैंने दो वीडियो बनाई थी आप उन्हें पूरा नहीं देखते, उनको एक मिनट और बीच में छोड़ के चले जाते हो। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो गाइस, ये है मेरे पास डव के टिश्यू पेपर। ठीक है, वैसे तो गाइस ये फुल भरा हुआ आता है, फ्लैट में एकदम वो स्क्वायर शेप में आता है। तो ये मैंने खत्म कर चुके हैं, मैंने अभी तक इनको यूज में ले लिया, बहुत ज्यादा यूज कर लिया इनका, तो ये इतने ही बचे मेरे पास। ठीक है, तो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये है एक, ठीक है, इसका सरफेस दिखाता हूं आपको कैसा है। गाइस, आपको दिख रहा होगा तो ये देख सकते हो कि एक तरफ से ये तो स्मूथ है और इस साइड ये रफ है। ठीक है, कैमरे में दिख रहा हो तो देख सकते हैं। गाइस, आप मेरे चैनल पे जाके चेक करोगे ना तो मैंने ज्यादातर पेंटिंग पिछली वीडियो या नई वीडियो उनमें ज्यादातर इन टिश्यू पेपर को ब्लेंडिंग के लिए ज्यादातर यूज में लिया है। वैसे तो अभी जो रिसेंटली बनाया उनमें ज्यादा यूज नहीं लिया था, लेकिन पहले जो बनाता था उनमें ज्यादातर मैंने इन टिश्यू पेपर को यूज में लिया है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको टिश्यू पेपर के बारे में तीन कैटेगरी बताऊंगा कि कौन कौन से टिश्यू पेपर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं गाइस, वैसे तो टिश्यू पेपर अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको तीन कैटेगरी बताऊं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी में तो एक पेपर टाइप का आता है जो आपको पानीपुरी के स्टॉल पे आप देख रहे हो मिलता होगा या आपने देखा होगा कई बार, वो बिल्कुल कागज की तरह होता है, देखा होगा, है ना। और सेकंड कैटेगरी होती है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, वो प्लेन होता है बिल्कुल, उसमें कुछ भी फंगस नहीं होती है, कुछ भी छेद नहीं होते उसमें, वो बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, और तीसरा होता है जो मैंने आपको दिखाया, ना ज्यादा स्मूथ होता है ना ज्यादा मीडियम। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ये वाला दिखाया था मैंने आपको, ये मैं ही नहीं यूज करता हूँ, ये देख सकते हैं, ये ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, ये ज्यादा रफ भी नहीं है, और इसमें देखो ये जो है ना दिख रहा होगा आपको छिद्र दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें गाइस। अब मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी के टिश्यू पेपर के बारे में बताता हूँ जो कि मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये टिश्यू पेपर है जो मैंने आपको दिखा दिया पहले। ठीक है, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये ज्यादा स्मूथ भी नहीं है ना ज्यादा रफ है, और इसमें तीसरी बात ये है कि इसमें छोटे छोटे छेद है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये कैमरे में दिख रहा होगा तो ये देख सकते हो। ठीक है गाइस, ये क्या करते हैं, ये फोर्स का काम करते हैं, जैसे हम ब्लेंड करते हैं ना तो ये फोर्स के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देता है, और कम टाइम में एकदम इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है ना इससे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको सेकेंड कैटेगरी के टिश्यू पेपर के बारे में बताता हूँ जो होते हैं बिल्कुल प्लेन, उसमें ऐसे छेद नहीं होते और वो एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा। ठीक है, वो बिल्कुल प्लेन होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप उसको ब्लेंड करोगे ना तो उसमें फोर्स ज्यादा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको, और हो सकता है शायद वो आपसे ब्लेंड भी ना हो, क्योंकि वो क्या ऐसे होगा ना, वो जो कलर जो होंगे ना ऑयल पेस्टल जो कलर होते हैं वो ऑयल टाइप का होता है, और वो बिल्कुल प्लेन जो है ना उसमें इतना फोर्स भी नहीं है, तो आप जबरदस्ती करोगे तो फिर वो होगा भी नहीं और वो खराब कर देगा, वो आपकी पेंटिंग को बिगाड़ देगा। ठीक है, और गाइस तीसरी कैटेगरी के टिश्यू पेपर वो होते हैं जो आपने देखा होगा बिल्कुल कागज जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, आप पानीपुरी के स्टॉल पे जाना तो देखना वहां पर वो उसी टाइप के आपको दिख जाएंगे, वहां पर उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं बता दूं उससे ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगा, वो ब्लेंड तो कर देगा लेकिन वो व्हाइट व्हाइट सा हिस्सा छोड़ देगा कई हिस्सों में, वो पेंटिंग को व्हाइट व्हाइट सा थोड़ा सा देगा, वो इतना डार्क भी नहीं देगा। तो गाइस मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा जो मैं टिश्यू पेपर यूज करता हूँ आप भी उन्हें यूज करें, आप जब भी मार्केट जाए तो आप चेक जरूर करना जो मैंने आपको बताया वो टिश्यू पेपर है या नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेज मिली थोड़ी बहुत, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और गाइस इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लाते रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।